Hey guys, welcome back to our channel Get to be Decided. तो आज हम आए हैं गुलाबी नगर यानी कि जयपुर राजस्थान में. So guys, जयपुर is my hometown and most of you may know कि जयपुर tourist के लिए एक major attraction है. And as a जयपुर निवासी, I think I can show you the best of it. तो जयपुर की एक पूरी सीरीज होने वाली है जिसको हमने डिवाइड किया 3 सेगमेंट्स में, शॉपिंग, फूड एंड प्लेसेस टू विजिट. एंड यू कैन गेस, अगर आपको वीडियो में मैं ही दिख रही हूँ, इसका मतलब हमने स्टार्ट किया है शॉपिंग से. बापू बाजार. बापू बाजार जयपुर का एक बहुत फेमस मार्केट है. इन शॉर्ट, शॉपहोलिक्स के लिए जन्नत. जो मेन मार्केट्स हैं यहाँ के, वो काफी पुराने हैं. मेन रोड के दोनों तरफ आपको सेम दुकानें बनी हुई दिख जाएंगी विद दीज गैलरीज. यहाँ आपको दुकानों के साथ साथ बाहर के साइड में भी काफी सारे स्टॉल्स दिखने को मिल जाएंगे. ये पपेट आपको जयपुर के मार्केट में बहुत इजीली देखने को मिल जाएंगे. बहुत वाइब्रेंट कलर्स में होते हैं, बंधेज प्रिंट में मिलते हैं मोस्टली. ये इनका रेंज 100 to 150 में आपको आराम से मिल जाएगा. ये जब भी ट्रेडिशनल ज्वेलरी की बात आती है तो जयपुर सबसे पहले दिमाग में आता है. यहाँ आपको सिंपल ज्वेलरी से लेकर रॉयल ज्वेलरी तक सब मिलेगा. इट मींस सस्ते से सस्ता एंड महंगे से महंगा सब अवेलेबल है. मोस्टली यहाँ मीनाकारी एंड कुंदन आर द मोस्ट पॉपुलर. इस पर्टिकुलर शॉप पे मुझे काफ़ी अच्छी वैरायटी के झुमके मिले थे एंड वैरायटी एंड क्वालिटी दोनों ही बहुत शानदार थी. नेक पीसेस भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडी अवेलेबल थे. जयपुर अपनी लेदर के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत फेमस है, जहाँ आपको जूती, बैग, शूज ईजिली मिलेंगे विद द परफेक्ट फिट एंड द स्टाइलिश डिज़ाइन. दूसरा, यहाँ कैमल लेदर की जूतियाँ बहुत फेमस हैं. इस शॉप पे भी जूतियों की काफ़ी वेराइटी थी एंड मोस्टली पार्टी वेयर कलेक्शन था इनके यहाँ पे. फैब्रिक में भी बहुत सारी जूतियाँ थी, सो इट मीन्स काफ़ी कलर्स एंड काफ़ी प्रिंट्स. मिरर जूती, हील्स वाली जूती सब अवेलेबल थी. ये शॉप अभी मेरी सेकेंड फेवरेट बन गई है, क्योंकि मेरी जो फेवरेट शॉप है जूतियों के लिए, वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी. आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये मार्केट काफ़ी कलरफुल लगते हैं. मोस्टली इसका रीज़न होता है बांधनी. बांधनी दुपट्टा, लहंगा, साड़ी यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है. बहुत कलर्स में अवेलेबल होते हैं. अगेन द प्राइस रेंज इज़ नॉट फिक्स. हर चीज़ के लिए अलग अलग प्राइस है, बट ये आपके बार्गेनिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है. सेम चीज़ आपको अलग अलग शॉप्स पर मिल जाएंगी, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले सब जगह पर जाके एक्सप्लोर करें एंड देन आप उनको अपना प्राइस कोट करें. बांधनी दुपट्टा तो खरीदना बनता ही, अगर आप जयपुर आए हैं तो. पिक योर फेवरेट प्रिंट, पिक योर फेवरेट कलर एंड व्हाइट सूट के साथ यू आर गुड टू गो. एंड एक्सेसरीज में यहाँ की कलरफुल चूड़ियाँ लेना तो भूलो ही मत. इस शॉप पे भी काफ़ी सुंदर ज्वेलरी थी. देखो, मेरा तो सीधा सा फंडा है, जहाँ सुंदर सुंदर झुमके दिख जाए वहीं पे बस रुक जाओ. मुझे झुमके बहुत पसंद है, बट इस शॉप पे सरप्राइजिंगली जिसने मेरा ध्यान खींचा वो थे रिंग्स. काफ़ी सुंदर रिंग्स थे यहाँ पे. मैंने यहाँ पे काफ़ी टाइम लगाया अपनी फेवरेट रिंग सेलेक्ट करने में. एनी शॉप पे वेडिंग फंक्शन के हिसाब से नेक पीसेस भी अवेलेबल थे, जो डिस्प्ले में लगे हुए थे और काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे थे. बापू बाजार में आपको घर के लिए डेकोरेटिव आइटम्स, बैग्स एंड बहुत सारी और चीज़ें भी मिल जाएंगी, जब तक आपको पता भी नहीं होंगी कि आपको उनकी ज़रूरत भी है. अभी तक हम लोग थे बापू बाजार में, अब लोग हम लोग आ गए हैं जौहरी बाजार में. जहाँ पे बापू बाजार एंड होता है, वहाँ से अगर आप लेफ्ट टर्न लेते हो तो जौहरी बाजार शुरू हो जाता है. जौहरी बाजार फेमस है यहाँ की ज्वेलरी के लिए. यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, कुंदन एंड मीनाकारी, हर तरीके की ज्वेलरी बहुत ईजिली अवेलेबल है. महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती, जो आपके बजट में आएगा उस रेंज में आपको ज्वेलरी मिलेगी. दूसरा,
ये फेमस है अपनी जयपुरी रजाई के लिए। जयपुरी रजाई को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, जयपुर का हॉट सेलिंग आइटम है जयपुरी रजाई। ये तो हुआ ये दो बाजार की बात, क्योंकि जहाँ पे बापू बाजार खत्म हो रहा है जौहरी बाजार शुरू हो रहा है, आप पैदल भी आ सकते हो। बट अगर जैसे आसपास के मार्केट हैं, आपको यहाँ पे कम्यूट करना हो तो ट्रैफिक की वजह से गाड़ी में अगर आप कर रहे हो तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। इंस्टीड ऑफ दैट यू कैन यूज़ ई रिक्शा। ई रिक्शा पर पर्सन 10-20 रुपीज़ चार्ज करता है, तो वो एक टिप है कि अगर आप आओ तो आप यहाँ पे उससे कम्यूट कर सकते हो। दूसरा, इन जगहों के लिए लोकेशन के लिए आप गूगल मैप्स पे डालो तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पे उतार देगा। अगर आप जौहरी बाजार में बापू बाजार की तरफ से एंटर होते हैं तो ये आपको पहली शॉप मिलेगी। ये बेसिकली फुटवेयर की शॉप है। यहाँ पे आपको बहुत वैरायटीज़ में फुटवेयर मिल जाएंगी, कैमल लेदर में, कोलापुरी चप्पल एंड ऑल। मैंने यहाँ से पहले भी ख़रीदा हुआ है एंड काफ़ी अच्छी शॉप है, तो अगर आप यहाँ पे आएँ तो इस शॉप में एक बार ज़रूर आएँ। सो गाइज, ये है मेरी फेवरेट जूतियों की शॉप जिसके बारे में मैं वीडियो में पहले बात कर रही थी। जयपुर में लाख की चूड़ियों का भी काफ़ी क्रेज़ है। इनको मोस्टली ट्रेडिशनल तौर पे पहना जाता था, बट आजकल इनमें इतनी वैरायटी एंड इतने डिज़ाइन डाल दिए हैं कि आप इसको किसी भी चीज़ के साथ कैरी कर सकते हो। इस शॉप पे आपको हर रेंज में हर वैरायटी की चूड़ियाँ ईजिली मिल जाएंगी। गाइस, अभी फरवरी का ही महीना चल रहा है एंड राजस्थान में गर्मी अभी से ही फील होने लग गई है। साथ में मार्केट में घूम रहे हैं तो थकावट तो होनी ही थी, तो चलते चलते हम जा पहुंचे जयपुर के मशहूर लस्सी वाला पे लस्सी पीने। एंड गाइस, बहुत ज़्यादा ही हम लस्सी थी, ये मज़ा ही आ गया। हम लोग आ गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे बड़ी चौपड़, और बड़ी चौपड़ में हम लोग जा रहे हैं पुरोहित जी का कटला पे। यहाँ पे आपको दुल्हन के लहंगों की बहुत बहुत वैरायटी मिलेगी, मात्र 2,500-3,000 से शुरू होके बहुत ऊंचे तक, जहाँ पे आपका बजट है वहाँ तक की वैरायटी के आपको लहंगे मिलेंगे। बहुत सारे कलर, बहुत सारे पैटर्न, हर तरीके के। मैं आपको अभी अंदर ले चलूँगी, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, शॉपिंग के बीच में अगर आपको भूख लग गई या कुछ भी स्नैकिंग का मन हो गया तो यहाँ पे जस्ट इसके बाहर ही बहुत सारी वैरायटी के स्नैक्स हैं, तो वहाँ पे जाके आप खाओ, नींबू पानी पियो, सब पियो और उसके बाद शॉपिंग के लिए अंदर जाओ। तो चलो, मैं भी शायद कुछ खा पी के अंदर चलूँगी, तो अभी आपसे मिलते हैं कटले। शॉपिंग के बीच में मुझे तो चटपटा खाने में बहुत ही मज़ा आता है। हमने डिसाइड किया इतनी सारी चीज़ों में कि हम खाएंगे छोले कुलचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहा था। एंड गाइस, कैन यू इमेजिन, सिर्फ 40 रुपए की प्लेट थी और उसमें भी ये भैया बोल रहे थे एक्स्ट्रा छोले लेने हो तो आप ले सकते हैं। कटले में हम लोग लहंगा देखने गए थे, बट शॉपकीपर्स एक्चुअली यहाँ पे अलाउ नहीं करते आपको पर्टिकुलर लहंगे की फोटोग्राफी करने। आप किसी लहंगे की फ़ोटो तभी ले सकते हो जब आप उसको परचेज कर चुके होते हो। तो हमने बाहर बाहर से ही वीडियो बनाई है जो डिस्प्ले में दिख रहा था। गाइस, अगर आपकी शादी है या किसी रिलेटिव की शादी है, हल्दी है या संगीत है, आपको हर फंक्शन के लिए यहाँ लहंगा मिल जाएगा ईजिली। मैंने भी अपनी शादी में लहंगों की शॉपिंग यहीं से की थी। तो गाइस, मैं बोलूँगी आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, आई एम श्योर कि आप यहाँ से निराश होकर नहीं जाएंगे।
सो गाइज दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब के आगे का जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करो ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।